हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब लिटिल विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अभी यहाँ पर आप एक सर्किट देख पा रहे हैं। सपोज दिस इज़ ए कंडक्टर, दिस इज़ कनेक्टेड विथ वायर थ्रू अ सोर्स एंड दिस साइड ऑल्सो वायर्स। देखिए, जब हम किसी सर्किट में करंट का फ्लो किसी सोर्स के हेल्प से करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले सपोज इसके एब्सेंस में यहाँ पर क्या है, तो देखिए जो भी मेटल्स होते हैं, आप जानते हैं जो भी एलिमेंट्स हैं सभी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, ये मेटल्स हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स दे यूज टू मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। वह इधर उधर किसी भी डायरेक्शन से अपने मन मर्जी मूव कर रहे होते हैं और फाइनली क्या होता है, नेट वेलोसिटी जीरो होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जा रहे हैं उतने ही राइट जा रहे हैं, जितने ही अप जा रहे हैं उतने ही डाउन जा रहे हैं। तो होता क्या है कि नेट वेलोसिटी जीरो हो जाता है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए फैक्टर। बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स, जब हम बैटरी लगा देते हैं, क्या होता है कि एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आफ्टर कोलिजन, रैंडम कोलिजन या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू होता है। ऑलरेडी यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाने के बाद आफ्टर कोलिजन सम इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम दिस एंड एंड सम इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स ऑन दिस एंड। और इस तरह से क्या होता है कि पूरे कंडक्टर में एक वेलोसिटी सेटअप होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए अब हम इस टॉपिक को इसके एक्सप्रेशन के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। इफ़ U1, U2, .. UN आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं लेकिन उनका वेलोसिटी सब अलग अलग है। U1, U2 आप मान सकते हैं ऑफ अ मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। हमने बताया था कि काफ़ी कोलाइड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, वो उसी कंडक्टर में हैं, देन देयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जब हम बैटरी लगाएंगे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, क्यू इज चार्ज, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई पुट किया है। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड अंडरगोज अ एक्सेलरेशन। देखिए जब भी फोर्स लगता है तो आप जानते हैं वहाँ पर किसी मासिव बॉडी पर एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का अपना मास है एंड इट एक्सेलरेट्स विथ ए एंड इट इज गिवन बाय ए इक्वल टू फोर्स बाय मास एंड दैट इज माइनस ई ई बाय एम, वेयर माइनस ई इंटू कैपिटल ई इज व्हाट, दिस इज फोर्स एंड दिस इज मास। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स फॉर टाइम टॉ वन, जिसे हम लोग पढ़ते हैं टॉ वन, विथ वेलोसिटी U1, then it attains a velocity. अब देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी U1 था, अब यह एक्सेलरेट कर रहा है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला हम रिमेम्बर करेंगे, V1 इक्वल टू U1 प्लस ए टो वन। सिमिलरली V2, V3 एंड VN दैट इज इक्वल टू UN प्लस ए टो एन। Now the average velocity Vd of all the n electrons after applying external electric field that is equal to V1 plus V2 dot dot plus Vn divided by n, n is the number of electron। जैसा कि इससे पहले हमने देख लिया V1 is equal to U1 plus A tau 1, similarly all others we can write, we can separate U1 U2 plus U3 dot dot UN plus
acceleration is common for all. Tau 1 plus tau 2 plus dot dot tau n divided by n, both having n capital N at their denominators. हमने पहले देखा था in the absence of electric field, the average velocity of the electron is zero. So we can put here zero. यह क्या दिखा रहा है u1 u2, ये तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर किए हुए सिचुएशन पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का वैल्यू है, उसका एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज जीरो. सो वी कैन राइट हियर जीरो प्लस ए टो टो वन प्लस टो टू डॉट डॉट प्लस टो एन बाय एन. दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. एंड व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के बीच का जो समय होता है कि एक बार कोलाइड किया, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट कोलाइड होगा, तो उनका जो एवरेज टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज रिटर्न एज टॉ. यस, सो नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टॉ. एंड वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज माइनस स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई टॉ बाई एम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी. यहाँ आप एक सर्किट देख पा रहे हैं, देयर इज अ कंडक्टर विच इज कनेक्टेड बाय अ सोर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वी. ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस करेंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है. सो दीज आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर में पढ़ा. नेक्स्ट इज देखिए अब हमारा काम क्या है. हम एक सिंपल फार्मूला को जानते हैं, करेंट इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बाई टी. देखिए हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हम आई इक्वल टू क्यू बाई टी इस फॉर्मूले को जानते हैं. क्यू के लिए क्या करेंगे हम, इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई टोटल नंबर से हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं क्यू का वैल्यू. एंड टी के लिए क्या करेंगे, तो टी के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी. उस कंडक्टर के लेंथ को ट्रेवल करने में जो समय लगेगा दैट इज द टाइम. सो उन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करके रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं. सो लेट अस सी, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू एन. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू स्मॉल ई. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल. यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप उसे एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए एल क्या है, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. सो टोटल चार्ज कंटेंट यह क्या दिखाई पड़ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है ई और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है एन ए एल. सो वी कैन गेट टोटल चार्ज ई एन ए एल. Now the time t for which electron enters one end and exit another end of the conductor. कितना समय लगता है one end में enter और exit करने के लिए. So we can get with the formula time equal to distance by velocity. Distance is l, velocity drift velocity के साथ वह move करता है. So we can write current equal to q by t. Q का value we can put from here E N A L and time that is L by V D. Next I equal to, from here this L is cancelled with this L, we get this I equal to E N A into V D. So this is the final formula. And also we can write this in the form of current density. We know I by A that is equal to current density. So by putting A at the denominator of I, we can write J equal to E N V D. So these all are the expressions here. This is a relation of electric current and drift velocity.
So that's all in this video. Thank you for watching. Thank you.